Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 4 of the topic determinants. Determinants ki properties kar rahe hain. Determinants ki properties based questions kar rahe hain. Properties based mein humne question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 NCRT ka kar liya tha 4.2 ka. Aur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke saath humne kuch aapko examples bhi karwa diye the. Ab maine bola tha next lecture mein maine question number 8 se lekar 11 tak aapko homework diya tha. I hope तुमने कर लिया होमवर्क कर लिया तो ठीक नहीं तो हम तो बैठे हैं मुझे बड़ा मजा आ रहा है कराने में I hope तुम्हें अगर इससे आधा भी मजा आ रहा है करने में तो तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं जाने दूंगा ये बात याद रख लेना प्लीज हमें इस क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है 111 ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को प्रूव करो भाई a-b b-c c-c a हमको प्रूव करना नहीं आता अगर डिटरमिनेंट को देख के बिल्कुल कुछ नहीं आता हो तो जीरो लाना आता है क्या तुम कहीं पे जीरो ला सकते हो तो बच्चे ने कहा मैं ला सकता हूं जीरो मास्टर जी अगर आप r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2 करने दो तो r1 में से r2 माइनस करने दो तो मैं आपको जीरो लाके दे सकता हूं तो मैंने कहा कर बेटा तो बच्चे ने करा 1 माइनस 1 विल बी बेटा जीरो ये हो जाएगा a माइनस b ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आराम से देख लो 1 b b स्क्वायर 1 c c स्क्वायर मैंने करा r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2 जीरो आना इज अ राइट थिंग मतलब आप सही जा रहे हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अब 12th क्लास का बच्चा है थोड़ा सा स्मार्ट चलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना लिखकर वो क्या लिखेगा देखो वो लिखेगा a माइनस b into a plus b अब अगर आप इसको देखो तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा यहां से कॉमन आ रहा है a minus b ऐसे ही बच्चा बोलेगा सर ऐसे तो मैं b minus c भी ला सकता हूं एक तो यहां पे taking a minus b common from r1 and r2 changes to r2 minus r3 ये वाला ऑपरेशन जब मैंने करा so what I get is a minus b बाहर आ गया ऊपर आ जाएगा बेटा 0 a minus b बाहर है 1 a minus b बाहर है a plus b और यहां आ जाएगा 1 minus 1 मेरे बच्चे 0 ये हो जाएगा बच्चे b minus c और ये हो जाएगा b square minus c square मतलब b minus c b plus c माता रानी का नाम लेके 1 c c square अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो R2 में से भी कुछ कॉमन आ रहा है taking B minus C common from R2 मेरा स्टेप एक आधा ज्यादा हो सकता है क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन कराने का ठेका नहीं लिया मैंने आपको कांसेप्ट कराने का ठेका लिया है A minus B बाहर B minus C बाहर अब अगर अंदर देखोगे तो आपका बचेगा 0 1 A plus B 0 1 b plus c 1 c c square ये भी आ गया ये भी आ गया अब बस ये रहता है बच्चा कहेगा सर जब दो जीरो आ जाते हैं तो एक्सपैंड कर देना चाहिए जी हां एक्सपैंड कर देना चाहिए बट हमें तो हमारे स्टाइल मारने हैं ना तो जिनको स्टाइल मारना है वो यहां पर फिर एक ऑपरेशन लगा सकते हैं r2 changes to r2 minus r1 बेटा लाइफ में सीखने का मौका मत छोड़ना मेरी बातों को भाषण की तरह मत लेना सीखना जहां तक हो सके सीखते रहो बस a minus b बाहर है b minus c बाहर है 0 1 a plus b r2 minus r1 करा है तो 0 minus 0 is 0 1 minus 1 is 0 और अगर b plus c में से minus करूंगा a minus b b से b जाएगा बचेगा c minus a 1 c c square अब अगर क्लास देख रही है तो यहां से taking c minus a common from r2 हमारा आ गया a minus b b minus c c minus a अंदर बचा 0 1 a plus b 0 0 1 and that is 1 c c square अब हम इसे expand कर सकते हैं along c1 we can expand it along c1 बाहर है हमारा a minus b b minus c c minus a 1 के साथ मेरे बच्चों अगर आप देखो तो 1 a plus b 0 और 1 आ जाएगा expand करोगे तो a minus b b minus c
सी माइनस ए, ये वन वन जा वन ही होगा इंटू वन, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस. मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि अब आप कर लेना, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे हम टाइम ज़्यादा लेंगे, एक बार इस लेक्चर को ढंग से देख लेना, पॉज करते करते एक एक स्टेप साथ साथ चलाना, दूसरी तीसरी बार इस लेक्चर को साइड में चलने देना, साइड में चलता रहेगा आपको पता चल जाएगा कब कहाँ पर कौन सा स्टेप लगेगा, अगर गलती ना की हो. अब ये क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा, बट आई एम सॉरी, प्लीज़ बुरा मत मानना, मेरे को इतना ज़रूर पता है कि आधा हिंदुस्तान जो भी ये वीडियो देख रहा होगा उनको ये फार्मूला याद नहीं होता यार. पता नहीं इस फार्मूले में क्या ऐसी बात है कि ये फार्मूला अच्छे से अच्छे बच्चे को याद नहीं होता, और ये मेरा सबसे बड़ा फेलियर है एज अ टीचर. एज अ टीचर ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, वो बच्चे भी ये फार्मूला याद नहीं करते. अगर मैंने कभी लाइफ में टैटू बनवाया तो इस फार्मूले का टैटू बनवाऊँगा. अगर आपको ये फार्मूला आता है, सच्ची में याद है, तो मेरी दिल से आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं. खैर, अब हमें इस वाले क्वेश्चन को इसके बराबर करना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए. मैं तो कहूँगा पॉज करो मुझे और एक स्टेप खुद करो, एक स्टेप खुद. ए माइनस बी दिख रहा होगा, ए माइनस बी दिख रहा है कि अगर ए माइनस बी दिख रहा है, अगर सी वन चेंजेस टू सी वन माइनस सी टू हो जाए, सी वन चेंजेस टू सी वन माइनस सी टू हो जाए, तो ए माइनस बी आ रहा है. तो वन माइनस वन, वन माइनस वन ज़ीरो आ गया, मीन्स तुम सही जा रहे हो. ए माइनस बी आ गया, मतलब तुम सही जा रहे हो. ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है, मतलब सही जा रहे हो. ए क्यूब माइनस बी क्यूब. अब बचा वन बी, बी क्यूब, वन सी, सी क्यूब. कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट स्टेप में हम फार्मूला लगा लेंगे. अब हम एक और लगाएंगे, सी टू चेंजेस टू सी टू माइनस सी थ्री. वन में से वन जाता हुआ दिख रहा है, ज़ीरो, ए माइनस बी. यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ज़ीरो, बी माइनस सी. अब बी क्यूब माइनस सी क्यूब में डायरेक्टली लिख देंगे, बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और वन सी और सी क्यूब. आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ. एक स्टेप फालतू लेके कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे, सर C1 में से कुछ कॉमन आ रहा है, सर C2 में से कुछ कॉमन आ रहा है. टेकिंग A माइनस बी एंड B माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली. जब हमने कॉमन लिया तो मेरी क्लास ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का हो गया. ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है बस, कि आप बहुत ज़्यादा वो कर सकते हो. ए माइनस बी बाहर, बी माइनस सी बाहर, ज़ीरो, वन, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ज़ीरो, वन, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, वन, सी, सी क्यूब. अब बेटा चार चीज़ें चाहिए थी, चार में से दो चीज़ें आ गई हैं, दो चीज़ें आ गई हैं और दो ज़ीरो आ गए हैं. तो 90% टीचर्स अब ये बोल देते हैं कि इसे एक्सपैंड करो, और गलत नहीं बोलते, एक्सपैंड कर लोगे तो भी हो जाएगा. बट मुझे लगता है कि मेरे को थोड़ा स्टाइल मारना ही मारना है, तो मैंने कहा एक ज़ीरो में और ला सकता हूँ. उसमें मैंने जो ज़ीरो लाने के लिए करा, मैंने कहा सी टू चेंजेस टू सी टू माइनस सी वन करो. उससे क्या होगा, ए माइनस बी बाहर है, बी माइनस सी बाहर है, आपका बचेगा ज़ीरो, वन, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब ज़ीरो में से ज़ीरो जाएगा तो ज़ीरो ही रहेगा. जो ज़ीरो ऑलरेडी आया होता है वो ज़ीरो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये बात याद रख लेना. जो ज़ीरो आया हुआ है अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो आप सही नहीं कर रहे हो, ये बात बस याद रख लेना. आगे चलते हैं, वन माइनस वन मेरे बच्चों ज़ीरो, दैट्स अ जैकपॉट. यहाँ आएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर. बिल्ली रास्ता काट जाए अपशगुन नहीं होता. मैथ्स में अगर कुछ कट जाए, कुछ कैंसिल हो जाए, ये शगुन होता है, अच्छा शगुन होता है, ये बात याद रख लेना. ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया. ए माइनस बी बाहर है, बी माइनस सी बाहर है, ज़ीरो, वन, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
0, 0, बचा क्या BC plus C square minus A square minus AB 1 CC cube, अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो. ये करने के बाद मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा. आगे जाने से अच्छा है कि मैं ये वाला आपका स्टेप मिटा देता हूँ, अगर बाई चांस बुरा ना लगे तो. मैंने जब ये स्टेप मिटाया, इसी क्वेश्चन को इसी तरफ ले आते हैं, पीछे में आप रिमाइंड कर लेना, आपको सब मिल जाएगा. जब हमने इसको देखा तो बाहर है a माइनस बी, बी माइनस सी, बहुत ध्यान से देखना, 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 0 0. यहाँ पर दो रिश्तेदार हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख दो सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और बी सी माइनस ए बी में से आप प्लस बी कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा सी माइनस ए. अगर क्लास ध्यान से देख रही है, इसमें से और इसमें से बी कॉमन आ गया तो बचा सी माइनस ए, बचा वन सी सी क्यूब. पहले ये स्टेप ध्यान से देख लेना, उसके बाद हमारी गेम ख़त्म है. ए माइनस बी, बी माइनस सी, अंदर बचा 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 0 0. यहाँ पर कॉमन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों सी माइनस ए, और अंदर बचेगा सी प्लस ए प्लस बी 1 सी सी क्यूब. ये स्टेप पहले देखो, खुद से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ना, अदरवाइज फ़ायदा नहीं है. वंस यू डू दिस तभी आगे जाने का फ़ायदा है. अब ये करने के बाद व्हाट वी आर लेफ्ट विद, अब तो गेम ख़त्म हो चुकी है, हमारा आंसर आ चुका है, मेरी क्लास बोल चुकी होगी. ये सिर्फ मैं जो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका, क्या कॉमन आ रहा है, टेकिंग सी माइनस ए एंड ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम सी टू. तो बेटा बाहर ए माइनस बी, बी माइनस सी तो था ही, आपने और बाहर क्या ले लिया सी माइनस ए, और ए प्लस बी प्लस सी भी कॉमन आ गया. अब आपका अंदर बचेगा 0 0 1 1 0 1, और यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सी और सी क्यूब, अगर क्लास सही है तो. अब हम इसे कर देंगे एक्सपैंड अलोंग आर वन, ए माइनस बी बाहर है, बी माइनस सी बाहर है, सी माइनस ए बाहर है, ए प्लस बी प्लस सी बाहर है, और जब प्लस माइनस प्लस वन के साथ आएगा बेटा 1 0 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 1, अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1. एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस. लाइफ एक बार ऐसा मौका ज़रूर देगी जब आपका एंड्योरेंस लेवल चेक होगा. एंड्योरेंस मीन्स कभी ना थकना, और ट्वेल्थ में लगता है ये, ट्वेल्थ वाले बच्चे आमतौर पर ये बातों को सुनते नहीं हैं और अपने रूल्स बनाते हैं, तो भैया मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. ये था एट्थ क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स. अब आता है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि प्रूव करो एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, अगर मैं गलत नहीं लिख रहा तो, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. ये क्वेश्चन ना आमतौर पे हम इग्नोर कर देते हैं, हो जाएगा कर लेंगे, बट यही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं. तो देखते हैं, आराम से बैठे हुए हैं, रात को टाइम हो रहा है, इस समय 10:30 हो रहे हैं जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे भी घर में कोई इतनी हाई तौबा नहीं, आपके भी नहीं है, तो ज़रा पढ़ो. एक्स माइनस वाई बच्चे को दिख रहा होगा, बच्चे को एक्स माइनस वाई दिख रहा होगा, तो बच्चे ने बोला सर आर वन चेंजेस टू आर वन माइनस आर टू. तो जब ये स्टेप आपने करा तो ध्यान से हमारे पास आया एक्स माइनस वाई, ऊपर आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बट ट्वेल्थ क्लास का बच्चा अब थोड़ा गेम बढ़ाएगा अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं लिखेगा, वो लिखेगा ब्रो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई. यहाँ पर आएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऊपर आ गया वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई. अब अगर क्लास ध्यान से देखे तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है जेड, एक्स माइनस वाई
x plus y, अगर z कॉमन आया तो अंदर बचेगा y माइनस z, ये हमारा जब z कॉमन आया तो अंदर बचा y माइनस x, हमें चाहिए x माइनस y, यहाँ आ रहा है y माइनस x, तो बच्चे ने कहा सर z कॉमन मत लो, आप कॉमन ले लो, ध्यान से आप कॉमन ले लो माइनस z, माइनस z जब आप कॉमन लोगे तो जो y माइनस x हो रहा है वो हो जाएगा x माइनस y, और यहीं पर आप एक ऑपरेशन लगा दो, आपको y माइनस z भी चाहिए तो r2 changes to r2 minus r3, y माइनस z, y माइनस z, y प्लस z, और अगर साइड में ले जाओ तो zx एक्स माइनस एक्स वाई होगा, दोनों में से x कॉमन लोगे तो z माइनस वाई होगा, माइनस x कॉमन लोगे तो y माइनस z होगा, माइनस x कॉमन y माइनस z, ये मैं कोई बहुत तेज नहीं जा रहा हूँ, इस लेवल पे आपको समझना पड़ेगा। आगे z z स्क्वायर और एक्स वाई, पहले इतने तक कर लो, पहले यहाँ तक खुद पहुँचो, अगर नहीं पहुँच पाए हो तो फिर आपको कुछ कॉमन भी दिख रहा होगा, अगर कॉमन देख रहे हो तो आपका कॉमन आ रहा होगा R1 में से, कुछ कॉमन आ रहा होगा R1 में से, कुछ कॉमन आ रहा है, और आपका R2 में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो when we see this, मेरे को क्या दिखा, ये वाला मैं हटा देता हूँ, अब क्या लिखूँगा मैं कि taking x minus y and y minus z common from R1 and R2 respectively, तो जब कॉमन लिया तो x माइनस वाई बाहर आ गया, y माइनस जेड बाहर आ गया, अंदर ध्यान से देखना क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 x प्लस वाई माइनस जेड, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, और बचेगा z z स्क्वायर एक्स वाई। अब थोड़ा सा मैं घबरा रहा हूँ, डर रहा हूँ कि मैं आंसर तक पहुँच पाऊँगा या नहीं, तो हल्की सी आशा की किरण कह लो या कुछ भी कह लो, ये वन मुझे उम्मीद दे रहा है, वन में से वन माइनस करूँगा तो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो आएगा मतलब समीर भी आप सही जाओगे, हमें चाहिए z माइनस एक्स, बट ये तो माइनस में है, तो एक बच्चा आराम से बोलेगा सर आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस आर वन करना, जब आप माइनस करोगे तो माइनस जेड का ये माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे कि एक्स माइनस वाई बाहर है, वाई माइनस जेड बाहर है, आर वन वही रहेगा वन एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये वन में से वन जाएगा सर ज़ीरो, यहाँ पर वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई करोगे सर, वाई से वाई जाएगा बचेगा जेड माइनस एक्स, और यहाँ देखो तो माइनस एक्स में से माइनस जेड मतलब प्लस जेड करोगे, ये दोनों आपने रफ साइड में कर दिए हैं, तो ये भी बचेगा सर जेड माइनस एक्स, अब बचेगा जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, एक भी टर्म गलत लिख दी या ज़्यादा कम लिख दी तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, अब बच्चा देखेगा कि सर यहाँ आर टू में से कुछ कॉमन आ रहा है, टेकिंग जेड माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम आर टू, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, बचेगा क्या, ज़ीरो एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ओ सॉरी ऊपर वन था, देखो गलती कर गया था ना, गलती हो सकती है, आई एम सॉरी, वन और ज़ीरो, वन वन, अब क्या बचा, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं, अब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कुछ भी करके आता हुआ दिख नहीं रहा, चाहो तो इसे एक्सपैंड कर दो, चाहो तो एक ज़ीरो लाकर एक्सपैंड कर दो, जैसा ठीक लगे वैसा एक्सपैंड कर दो, अगर मैं इसको इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करता हूँ तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ ज़रा, वन ज़ीरो जेड है बाहर है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू वन ज़ीरो जेड, आगे क्या है, एक्स प्लस वाई, वन जेड स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, वन जेड स्क्वायर, एंड क्या है, माइनस जेड वन एक्स वाई, माइनस जेड वन एक्स वाई, जब हम एक शीट से दूसरी शीट पे आते हैं तो गलती करने के चांसेस हो जाते हैं,
मैंने इसे एक्सपैंड करा, एक्सपैंड अलोंग सी वन, तो वन के साथ आएगा वन वन जेड स्क्वायर एक्स वाई, ज़ीरो तो रहेगा नहीं, प्लस जेड के साथ आएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड वन वन, अगर क्लास साथ है, और साथ में तो चल ही रहा है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक भी गलती हो गई तो सारा लेक्चर ख़राब होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यहाँ पर बाहर वन है, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, अगर क्लास देख रही है तो प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, ये माइनस जेड हो जाएगा प्लस जेड, अगर देखो तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, जय माता दी, इज्जत बच गई, बचा क्या एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। इसमें थोड़ा सा स्टैमिना चाहिए था, क्वेश्चन अच्छा था, आई होप आपको मैं ये क्वेश्चन समझा पाया हूँ। अकेले बैठा हूँ, कैमरे के आगे बैठा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन करने में। प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे साल में इस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार कर लेना, और इस क्वेश्चन को करते हुए अपना टाइम ज़रूर नोट कर लेना। पेपर में कई क्वेश्चन हमें आते भी हैं बट ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, ये भी हमारी हार होती है। हर क्वेश्चन सही टाइम पे होना चाहिए। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्स प्लस फोर, टू एक्स, टू एक्स, टू एक्स, एक्स प्लस फोर, टू एक्स, टू एक्स, टू एक्स, और एक्स प्लस फोर को बराबर करना है हमें 5x प्लस फोर इंटू फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाउ डू यू सी दिस, 5x प्लस फोर इंटू फोर माइनस एक्स एक बार, फोर माइनस एक्स दो बार, ये याद रख लेना, इसको बिल्कुल आराम से देख लो। अगर दो क्वेश्चन मुश्किल थे तो एक क्वेश्चन आसान है। 5x प्लस फोर मेरे बच्चे मुझे दे सकते हैं, 5x प्लस फोर, बच्चे ने कहा सर 2x प्लस 2x, 4x प्लस x, 5x, सर r1 changes to r1 plus r2 plus r3, when you will do this, please, ये वाला ऑपरेशन आप मेरे लिखने से पहले खुद से करो, please write this operation, please, तो यहाँ आ जाएगा सर 5x plus 4, 5x plus 4, 5x plus 4, जय माता दी, 2x, x plus 4, 2x, 2x, 2x और x plus 4, अगर क्लास साथ है तो क्लास कहेगी कि सर हमारे पास टेकिंग टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम r1, तो जब 5x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा अंदर बचेगा 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, कम से कम मेरे पास 3 में से 1 चीज़ आ गई, आई एम हैप्पी कि मैं कम से कम इतना तो कराया। अब मुझे 4 माइनस एक्स एक बार नहीं चाहिए, मुझे 4 माइनस एक्स दो बार चाहिए। अब 4 माइनस एक्स लाने के लिए मुझे नहीं आता 4 माइनस एक्स लाना, 1 में से 1 माइनस करना आता है मुझे, मैंने c1 changes to c1 minus c3 कर दिया, c1 में से भी c3 कर दिया, और c2 changes to c2 minus c3, दोनों में से c3 को माइनस कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से बाहर मेरा आया हुआ है 5x प्लस 4 मेरा बाहर आया हुआ है, मेरे पास एक चीज़ आई हुई है। अब अंदर जब मैं जाता हूँ अभी इस रिकॉर्डिंग में, ये 0, जब 2x में से 2x जाएगा 0, दो 0 आना इज ए जैकपॉट, किसी भी स्टेप में दो 0 आना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर 2x माइनस ये करूँगा तो माइनस एक्स माइनस 4, फिर दोबारा इधर देखो तो 1 माइनस 1 0, एक्स प्लस 4 माइनस 2x, ये माइनस हुआ है, और 2x माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ बचेगा 1, 2x और x प्लस 4। अब इसको आराम से करेंगे 5x प्लस 4 क्लास, 5x प्लस 4, और अंदर बचेगा 0, 0, x माइनस 4, 0, 4 माइनस x, x माइनस 4, 1, 2x और x प्लस 4। अगर मैंने जल्दी जल्दी नहीं करा रहा तो आपका भी आंसर यही आना चाहिए। मैं अगले स्टेप पे ना जाकर इसी स्टेप में
थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूंगा, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूं मैं इसके अंदर। अगर क्लास ध्यान से देखे तो ये x माइनस फोर में से मैं माइनस कॉमन लूंगा। ट्वेल्थ क्लास का बच्चा, इतनी उम्मीद मैं उस बच्चे से करता हूं कि अगर मैं x माइनस फोर में से माइनस कॉमन लेता हूं तो इट बिकम्स माइनस में फोर माइनस एक्स। वैसे ही अगर मैं ये x माइनस फोर में से भी माइनस कॉमन लेता हूं तो ये भी बन जाता है माइनस कॉमन लेने के बाद 4 माइनस एक्स। उससे मेरे को मज़ा आ गया, यहाँ से एक 4 माइनस एक्स कॉमन आ गया और यहाँ से एक 4 माइनस एक्स कॉमन आ गया। टेकिंग 4 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली, जब मैं लेता हूँ तो 5x प्लस 4 तो बाहर था ही, 4 माइनस एक्स एक बार आ गया, 4 माइनस एक्स दो बार आ गया, बचा 0, 0, 1, 0, 1, 2x माइनस 1, माइनस 1 और x प्लस 4। अब हमें इसे एक्सपैंड करना है अलोंग R1, वी विल एक्सपैंड इट अलोंग R1। तो 1 के साथ अगर आप देखो तो 1 आएगा बेटा 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1 के साथ अगर आप देखो 0, 1, माइनस 1 आएगा ये 0, तो ये 1 ही आएगा, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। इजी स्वीट सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब थोड़ा सा स्टाइल, अगर आप पहला ऑपरेशन ये नहीं करते तो आप इसमें ये ऑपरेशन भी कर सकते थे, C1 changes to C1 plus C2 plus C3। ये ऑपरेशन करने के बाद आप, मैंने जैसे यहाँ पर ऑपरेशन कॉलम का किया है, आपको यहाँ पर रो का ऑपरेशन करना पड़ता। जैसे कि मैंने यहाँ C1 वाला लिखा है तो आपको लिखना पड़ता R1 changes to R1 minus R3 और R2 changes to R2 minus R3। हर मेथड आपको क्वेश्चन करने का आना चाहिए। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th के बाद मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10th का ही सेकंड पार्ट दिया हुआ है जो मुझे लग रहा है कि बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट मेरी कमिटमेंट लेवल कुछ अलग होता है। मुझे लगता है कि हर बच्चे को हर क्वेश्चन कराना चाहिए ताकि उसको कभी ये ना लगे यार, देखो कई चीज़ों, किसी को कोई आसान लगता है, किसी को कोई मुश्किल लगता है, तो मैं उसके लिए बारे में जज नहीं बनना चाहता कि हाय तेर से ये भी नहीं हुआ। के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया है तो एक बार मेरे साथ बैठ कर ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, मुझे पॉज कर लो, मुझे पॉज कर लोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से देख लेना। अगर हम आगे आते हैं तो मेरे को एक मिनट के लिए पॉज आप कर सकते हो। आगे चलने के बाद बच्चे ने कहा सर 3y प्लस के तो एक सेकंड में आ जाएगा। R1 changes to R1 plus R2 plus R3. Y. What we get is 3y plus k. 3y plus k. 3y plus k. Y plus k. Y. और y plus k. इतने सारे y. Hi. तो taking 3y plus k कॉमन फ्रॉम R1, 3y प्लस के जैसे ही कॉमन आया अंदर बचा 1, 1, 1, y प्लस के, y प्लस के, जय माता दी। मेरी एक चीज़ आ गई। अब बच्चे ने कहा सर कुछ समझ ना आए तो 0 लीजिए, C1 changes to C1 minus C3, C2 changes to C2 minus C3, 1 में से 1 जाएगा सर, 3y प्लस के आपने पहले ही कर दिया है, 1 में से 1 जाएगा 0, y में से y जाएगा 0, y प्लस के में से y माइनस C3 कर रहे हो, माइनस y माइनस के, 1 माइनस 1 सर 0, y प्लस के माइनस y, y माइनस y माइनस के, 1y प्लस के। अगर क्लास 7 है तो 3y प्लस के इंटू 0, 0 माइनस के, 0 वाई से वाई गया,
k माइनस k, 1 y, y प्लस k. अगर आप देखो तो यहाँ से भी कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी 2k कॉमन आ रहे हैं. टेकिंग k कॉमन फ्रॉम c1 एंड c2 रिस्पेक्टिवली. तो बेटा 3y प्लस k, एक k आया, एक और k आया, बचा 0, 0, 1, 0, 1, y, माइनस 1, माइनस 1, y प्लस k. अगर देखो तो टर्म्स चेंज हुई हैं. कंसेप्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है. इसको एक्सपैंड अलोंग r1 करोगे तो 3y प्लस k इंटू k स्क्वायर इंटू 1 के साथ आएगा बेटा 0, 1, माइनस 1, माइनस 1, विच विल गिव यू 1. तो हमारा आंसर आ गया 3y प्लस k इंटू बच्चे k स्क्वायर. अगर कोई बच्चा अच्छा बैठा हुआ है और वो कहता है नहीं सर मैं तो अपने तरीके से करूँगा, तो आप c1 changes to c1 plus c2 plus c3 भी लगा सकते हो. इसके अंदर c1 plus c2 plus c3 भी लगा सकते हो. मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक कराऊंगा, 11 भी कराएंगे, 12 भी कराएंगे. 11 और 12 आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराया जाएगा, क्योंकि लेक्चर की लिमिट इतनी लंबी नहीं हो जानी चाहिए कि बच्चे बेचारे परेशान हो जाएं. अगर परेशान हुए हो तो आई एम सॉरी. फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी. Yeah.